अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। तो देख सकते हैं फाइनली मेरा वीज़ा कार्ड आ चुका है। 3-4 दिन पहले मैंने अल जजीरा बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया था। अगर आप लोग करना चाहते हैं और ऑनलाइन एटीएम कार्ड वीज़ा कार्ड मंगवाना चाहते हैं घर बैठे, तो आप लोग मेरा पहले वाला वीडियो देखकर ओपन कर सकते हैं। घर बैठे आसानी से ओपन हो जाता है और आपके पास 3-4 दिन के अंदर में वीज़ा कार्ड हासिल हो जाएगा। आपके एड्रेस पे फ्री में छोड़ दिया जाता है। टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह का वीज़ा कार्ड है और कितने दिन में मिला मुझे, कैसे मिला। काफ़ी लोग तो ओपन कर लेते हैं लेकिन बाद में उसे वीज़ा कार्ड नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती, इसके लिए उसे मिल नहीं पाता है। तो चलिए फटाफट इसे हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक और भी कार्ड नीचे है, तो इसको भी हम फाड़ देते हैं। क्या करना है इसे लेकर, बाकी बात इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हैं मेरा वीज़ा कार्ड इसके अंदर भी है, यानी 3 लिफाफे के अंदर में दिया गया है। और यहाँ पे कोड वोड सब दिया गया है, कार्ड नंबर क्या क्या नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं पूरी तरह से नहीं दिखा सकता हूँ। तो आप लोगों को मैं फाइनली दिखाना चाहूँगा। इसका जो वीज़ा कार्ड है यहाँ पे है और इसका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, तो इसे हम ओपन करते हैं, इसे हटाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मादा है, वीज़ा कार्ड दोनों एक साथ में, यानी अच्छा है। और जो लोग भी ये जानना चाहते हैं कि भाई इस कार्ड के पीछे CVV नंबर होता है, तो नंबर भी पीछे रहता है इस कार्ड के, यहाँ किसी भी कंट्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह ये कार्ड चलता है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरह से आप लोगों के पास ये कार्ड आएगा, किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं। जब भी आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक की तरफ से मैसेज आ जाएगा, और एक दिन के बाद ही मेरे पास मैसेज आ गया इस कुरियर की तरफ से, समसा एक्सप्रेस की तरफ से। उसने मुझसे डिटेल्स मांगा कि आप किस तरह से कुरियर लेना चाहते हैं, वहां पे जाकर लेंगे या क्या है। तो मैं यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट किया, आप लोग लोकेशन वाला सेलेक्ट करें, वहाँ पे जाकर अपना एरिया का जो सिटी है, शहर है, हर चीज़ वहाँ पे भरना है, रूम नंबर, बिल्डिंग नंबर आप भर दें। उसके बाद आपके एड्रेस पे जब वो आएगा, यानी वहाँ पे ओके करना होता है, सेव करना होता है। जब एक दिन के बाद मेरे पास फिर से मैसेज आया, जो ड्राइवर लेके आता है कुरियर वाला, तो ड्राइवर की तरफ से मेरे पास मैसेज आया कि आप अपना लोकेशन शेयर करें। उसका व्हाट्सअप भी आया, तो उसके व्हाट्सएप पे मैंने उसका अपना पूरा लोकेशन सेंड कर दिया। उसके 10-15 मिनट के बाद ही मेरे लोकेशन पे वो आ गया। तो इस तरह से आपके आपसे एकामा मांगेगा, एकामा नंबर मांगेगा, अपना एकामा नंबर बताएंगे, वहाँ पे साइन कर देंगे, आपको ये कार्ड मिल जाएगा। यही प्रोसेसर है, कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज नहीं लगता है, फ्री है। जो भी पैसा होता है कुरियर का, बैंक वाला पैक करके भेजता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल गई। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए मेरे भाई, किस बात की देरी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।